तो देखिए आपका पर्सनॉलिटी फाइव पॉइंट टू है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ठीक है कहता है कि प्रश्न एक से दो तक समिश्र संख्याओं का प्रत्येक का मापांक और कुड़ांग ज्ञात कीजिए तो सारे चीज़ आपको पहले ही बता चुके हैं मापांक और कुड़ांग के बारे में बता चुके हैं पता है ना आपको यदि वो वीडियो नहीं देखें जाकर प्लीज़ उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा ठीक है चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है जेड बराबर माइनस वन माइनस आई रूट थ्री का क्या करना है मपांक और कुांक बताना है चलिए हम इसको सल्व करते हैं और आपको मपांक और कुड़ांग के बारे में पहले ही समझा चुके हैं ठीक है यदि आप देखे होंगे तो आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा बहुत ईजी है ठीक है क्वेश्चन नंबर वन है जेड इजकल टू माइनस वन माइनस आई रूट थ्री ठीक है ये आपका क्वेश्चन है क्या करना है सबसे पहले आपको बताए हैं आर पी और आई लिखना पड़ता है आर मतलब एक्स आर पी क्या है रियल पार्ट रियल पार्ट मतलब हिंदी होता है वास्तविक भाग ओके तो आर पी किसको बोलते हैं एक्स वाला को यानी फर्स्ट वाला को एक्स बोलते हैं यानी एक्स बराबर क्या आपका माइनस वन तथा आई पी, आई पी किसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग यानी वाई, वाई वाई बराबर क्या आपका आई रूट थ्री है ना तो आई नहीं लिखा जाता है सिर्फ रूट थ्री लिखा जाएगा ओके okay, और माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे ये भी माइनस में था ये भी माइनस में है यहाँ तक तो समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट वाला को आर पी यानी एक बराबर माइनस वन और आई पी यानी वाई बराबर माइनस रूट थ्री यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ठीक है अब हम देखेंगे कि किस पार्ट में है यानी किस भाग में किस चतुर्थांश में है माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होता है कोऑर्डिनेट में पड़े ना किस चतुर्थांश में माइनस माइनस किस में होता है तीसरा में दोनों माइनस होता है तो दोनों माइनस है तो किस पाद में है थर्ड चतुर्थांश थर्ड पाद में है ये भी आपको पता चल गया कोई दिक्कत नहीं तो हमको बताना क्या है मपांक और गुणांक तो चलिए हम इसका पहले मपांक बता देते हैं ठीक है तो मपांक का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं मपांक का फॉर्मूला आपको बताएं ना थ्योरी में मपांक का फॉर्मूला क्या होता है मोड जेड बराबर रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो चलिए एक्स का मान आपका कितना है माइनस वन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो वाई का मान है माइनस रूट थ्री का स्क्वायर कर लेंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा रूट अंदर माइनस एक के दोबारा करेंगे तो एक और प्लस माइनस रूट थ्री का दोबार करेंगे तो कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा रूट नौ रूट नौ का बारूल तीन होता है तो एक और तीन कितना हो गया चार चार का वर्गमूल दो यानी आपका मापांक कितना आ गया दो आ गया यहाँ तक तो, तो समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है मापांक हम लोग निकाल लिए अब क्या निकालना आपको कुणांक बताना है तो कड़ांग बताने के लिए क्या करेंगे कुड़ाक का हम फार्मूला लगा देंगे क्या होता है कड़ांक का फार्मूला लिखिए कुड़ांक यानी थीटा बराबर क्या होता है टेन इनवर्स वाई बटा एक्स सारे चीज आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं यदि आप नहीं देखे हैं थ्यूरी का वीडियो तो प्लीज आप लोग देख लीजिएगा उसके बाद अपने खुद से भी चैप्टर कर सकते हैं जो स्टूडेंट देख लिए है थ्योरी का चैप्टर ठीक है ना थ्योरी का वीडियो जो जिन लोगों ने देख लिया उनके लिए तो बहुत ईजी है बहुत ईजी है ये वीडियो देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी यदि वो देखे हैं वीडियो तो ठीक है ना उसमें एग्जाम्पल के साथ सारे चीज़ समझाए हैं तो चलिए तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाटा एक्स है तो टेन इनवर्स जो कहते हो वाई बाटा एक्स वाई का मान आपको पता है ऊपर में क्या दिया है माइनस रूट थ्री और एक्स का भी मान पता है माइनस एक्स दिया है ओके अब हम क्या करेंगे टेन इनवर्स ये माइनस माइस तो खत्म हो जाएगा क्या बच जाएगा रूट थ्री बटा वन तो रूट थ्री में एक्स भाग देने के आएगा रूट थ्री नहीं आएगा रूट थ्री अब देखिए क्या करना है टेन इनवर्स है ठीक है टेन इनवर्स को हटाना है तो क्या कर देंगे देखिए टेन इनवर्स रूट थ्री है ना तो रूट थ्री का क्या मान होता है टेन में टेन साठ होता है आपको पता होगा कि टेन साठ का जो मान होता है क्या होता है रूट थ्री तो रूट थ्री के बदले हम टेन साठ लिख सकते हैं कोई डाउट नहीं तो टेन इनवर्स और टेन क्या हो गया कैंसिल यानी खत्म हो गया क्या बच गया साठ साठ लिख लीजिए यानी साठ को हम मुख्य मान में क्या ले सकते हैं पाई बाई थ्री क्यों क्योंकि पाई का मान जो होता है एक सौ अस्सी होता है एक सौ अस्सी में तीन से भाग देंगे क्या आ जाएगा साठ आ जाएगा पता चला तो चलिए अब हम तो अभी पाई बाई थ्री निकाल दीजिए निकाल दिए ठीक है अब लेकिन हमको अब ये देखना है कि कूड़ांग बताने के लिए क्या करना पड़ता है हम देखेंगे किस पाद में गया है फर्स्ट पाद के लिए क्रांग का फार्मूला अलग है सेकेंड के लिए अलग है थर्ड के लिए अलग है फोर्थ के लिए अलग है ये सारे थ्योरी में पढ़ाए आपको ठीक है ना तो क्या करेंगे हम हम देखेंगे किस पाद में है तो देखिए हम देखे थे ये थर्ड पाद में है तो थर्ड पाद के लिए आपको दो फार्मूला होता है इस थर्ड में आइएगा तो इसके लिए दो फार्मूला होता है कोड़ांग बताने के लिए क्या होता है देखिए पहला होता है पहला जो होता है वो होता है पाई प्लस थीटा तो पाई का पाई और थीटा का मान आपको कितना आया है यहाँ से थीटा इजकल टू आ रहा था ना यहाँ लिख लीजिए थीटा इजकल टू थीटा इजकल टू कितना आया है पाई बाई थ्री आया है तो थीटा के जगह पाई बाई थ्री लिख लेते हैं कुछ नहीं तो वन थ्री और एक कैल्शियम थ्री भाग देंगे तीन बार में तीन से और पाई से तीन पाई प्लस भाग देंगे एक बार में एक से या पाई से पाई कितना हो जाएगा तीन पाई और पाई कितना हो जाएगा चार पाई बटा तीन हो गया ओके कोई दिक्कत नहीं अब चलिए पहला के लिए तो हो गया इसके लिए दो फार्मूला होता है तो दूसरा क्या होता है फॉर्मूला दूसरा होता है थीटा माइनस पाई ठीक है थीटा माइनस पाई होता है तो थीटा का मान क्या है आपका थीटा का मान है पाई बाई थ्री माइनस पाई का पाई ओके तो क्या हो जाएगा यहाँ कुछ नहीं तो वन तो एल सियम हो जाएगा थ्री भाग देंगे एक बार में एक से और पाई से पाई माइनस इसमें भाग देंगे तीन बार में तीन से पाई से तीन पाई घटा देंगे तो कितना जाएगा माइनस टू पाई बाई थ्री आपका आंसर हो गया ओके आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा ठीक है यदि आप थ्योरी पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फिर से बोल रहे हैं यदि नहीं देखें आप लोग थ्योरी तो प्लीज़ आप लोग वहां देख लीजिए सारा चीज़ अच्छे से समझाएं ठीक है ना यानी आपका आंसर हो गया मपांक बराबर आपका आ गया आपसे मपांक पूछा था तो मपांक यानी जेड बराबर आ गया टू और कोड़ांग पूछा था और कोणांक का माना गया दो आया है क्या क्या फोर पाई बाई थ्री और माइनस टू पाई बाई थ्री आपका आंसर हो गया ओके आई होप कि आप लोग को सॉल्व करने आया होगा अब चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर टू दे क्वेश्चन नंबर टू भी जस्ट वैसा ही बनेगा ठीक है दिया है जेड बराबर माइनस रूट थ्री प्लस आई ठीक है ऐसा आपका क्वेश्चन है सबसे पहले क्या करते हैं आर पी आई पी यानी एक्स वाई का मान लिख लेते हैं यानी यहाँ से आ जाइए आर पी यानी एक्स एक्स का मान क्या है माइनस रूट थ्री ओके उसके बाद आई पी यानी वाई इसका मान क्या आई है आई के मतलब वन आई में कुछ नहीं तो वन लिख सकते हैं आई से और वन से करेंगे तो आई ही ना होगा तो उसमें क्या लिख सकते हो वाई कमान एक लिख सकते हैं ठीक है अब ये चेक करेंगे किस पाद में है माइनस प्लस तो माइनस अब प्लस किस में होता है सेकेंड में होता है तो इसको लिख दीजिए सेकेंड पाद में है ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कड़ांग के लिए ठीक है ना तभी हम बता सकते हैं कड़ांग का फॉर्मूला ऐसे गलत हो जाएगा चलिए तो ये सेकेंड पाद में हो गया हमको क्या निकालना है मपांक निकालना है और कुड़ांग निकालना है पहले हम मपांक निकाल लेते हैं तो मपांक बराबर मापांक यानी जेड मोड जेड बराबर क्या हो जाएगा रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला यही ना होता है तो एक्स और वाई का मान भर दीजिए एक्स का मान है आपका माइनस रूट थ्री का स्क्वायर अब प्लस वाई का मान है वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस तीन को दो बार करेंगे तो तीन अब प्लस वन बराबर चार, चार का वर्गमूल होता है दो बार। ओके okay. अब क्या करेंगे हम अब हम कुड़ांग निकालेंगे आइए हम कुड़ांग में चलते हैं कुड़ांग, कुड़ांग के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले कुड़ांग का फॉर्मूला लिखेंगे तो ठीठाइज टू क्या होता है टेन इनवर्स मोड वाई बटा एक्स टेन इनवर्स ज्यो कहते हो वाई वाई का मान क्या है वन है और एक्स का मान क्या है रूट थ्री माइनस रूट थ्री है ये तो मापांक में तो सारे चीज़ को तो प्लस ही कर देता है क्या हो गया टेन इनवर्स 1 वन बाई रूट थ्री ये देखिए मापांक का साइन लग जाएगा देखिए ये साइन है ना मापांक का मापांक जिसमें लगता है सारे चीज़ को माइनस को प्लस कर देता है प्लस तो प्लस ही रहता है ठीक है सारे चीज़ को प्लस ही कर देता है अब चलिए टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री तो वन बाई रूट थ्री टेन में किसका होता है टेन किस का होता है क्या याद नहीं है याद है ना हाँ टेन तीस का होता है वन बाई रूट थ्री टेन तीस का मान होता है तो टेन इनवर्स और टेन क्या हो गया कैंसिल क्या बच गया तीस तीस के बदले हम क्या ले सकते हैं मुख्य मान में पाई बाई सिक्स क्यों क्योंकि पाई का मान होता है एक सौ अस्सी भाग देंगे छः से एक सौ अस्सी बटा छ यानी तीस आ जाएगा ओके okay. आ रहा है समझ में कोई दिक्कत नहीं चलिए अब हम क्या करेंगे अब हमको गुणांक बताना है तो हमको पता है कि सेकेंड पाद में है तो सेकेंड पाद का गुणांक इसके लिए कितना फॉर्मूला होता है सेकेंड पाद का गुणांक के लिए सिर्फ एक होता है क्या होता है पाई माइनस थीटा होता है तो पाई का पाई और थीटा का माना है पाई बाई सिक्स पाई बाई सिक्स लिख लिए बाटा वन सिक्स और वन कैल्सियम सिक्स भाग देंगे छः बार में छः से और पाई से करेंगे तो छ पाई माइनस भाग देंगे एक बार में एक से और पाई से करेंगे तो पाई सिक्स पाई में से पाई जाएगा पाई पाई बाई सिक्स ये आपका गुणांक आ गया यानी हमारा आंसर आ गया मापांक ल हम दो और कु कितना ला दिए फाइव पाई बाई सिक्स हमारा आंसर तो यदि आप लोग अच्छे से थ्योरी पढ़े होंगे तो आप लोग को बहुत इजी लग रहा होगा बहुत इजी लग रहा होगा ठीक है ना है भी इजी बहुत बस आप लोग को थोड़ा सा समझना होता है इसलिए हमने थ्योरी का वीडियो बनाया ताकि आप लोग को समझ में आ जाए वहाँ भी कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन भी कराएं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है तो चलिए अब हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर थ्री अब देखिए आपका प्रश्न तीन से आठ तक संख्याओं में प्रत्येक के ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए अब देखिए जो थ्री से एट जो संख्या जो दिया गया आपको तीन चार पाँच छः सात आठ ये जो भी क्वेश्चन है अब आपको क्या करना है इसको ध्रुवीय रूप में करना है तो आपको हम ध्रुवीय रूप सिखा चुके हैं पहले से ही याद है ना थ्योरी का वीडियो में हम मापांक कुंक और ध्रुवीय के लिए स्पेशल वीडियो बनाए हैं ठीक है तो उसमें ध्रुवीय रूप के लिए भी एग्जाम्पल कुछ कराए हैं और अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ फार्मूला बताया हूँ जो भी कंसेप्ट है सारे चीज़ समझाया हूँ ठीक है तो आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको ध्रुवीय रूप निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा क्यों दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ध्रुवीय रूप का एक सिर्फ फार्मूला होता है बाकी हम मापांक और कुणांक निकाल कर इसमें काम करते हैं तो आपको मापांक और कुड़ांक निकालने तो आ गया तो ध्रुवीय आसान हो गया आइए हम इस क्वेश्चन को करके आप लोग को दिखाते हैं ठीक को है, है बहुत ईजी है बहुत ईजी है बस आप लोग एक दो बार क्वेश्चन को करते रहिए ठीक है ना प्रैक्टिस करिए बहुत ईजी है क्या है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन देख लेते हैं हाँ क्वेश्चन है वन माइनस आई ये आपका क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमको ध्रुवीय रूप निकालना है तो ध्रुवीय रूप से भी पहले हमको क्या चाहिए मापांग चाहिए कुड़ांग चाहिए या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ध्रुवीय रूप निकालना है तो यहां पर ध्रुवीय लिख लीजिए ध्रुवीय रूप बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है ध्रुवीय रूप का ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला होता है मपांक जेड इसको मपांक बोलते हैं ठीक है ना मपांक जेड कॉस थीटा लिखो या कुांक लिख लो ठीक है कॉस कुड़ांक और प्लस आई साइन कूड़ाक ठीक है ये आपका फॉर्मूला होता है इस कूड़ांक की जगह हम लोग बताएं आपको थ्यूरी में कि ठीठा भी लिख सकते हैं ठीक है और मोड जेड है इसका मतलब मपांक ओके तो यही होता है ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला हमको मापांक आ जाएगा और कुड़ांक आ जाएगा तो हमारा ध्रुवीय रूप आ जाएगा बहुत सिंपल है ठीक है ना बस आप लोग ध्रुवीय रूप याद कर लीजिए क्या होता है फॉर्मूला उसका उसके बाद आप लोग को मापांक आएंगे या कुड़ांक आएंगे बस भर देना है आइए इसको सॉल्व करते हैं तो वन माइनस आई है ठीक है तो यहां से आर पी यानी x, x के लिए क्या मान दिया है वन तथा आई पी यानी वाई वाई के लिए क्या दिया है माइनस आई दिया ना? माइनस आई दिया है तो माइनस आई मतलब माइनस वन माइनस आई में हम क्या ले सकते हैं माइनस वन ले सकते हैं अब देखिए अब चेक करेंगे कि किस पाद में है ठीक है ए, किस पाद में है इसको चेक करिए तो यहां पर आपको बता दें प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस यानी प्लस माइनस यानी फोर्थ पाद में है ये आपको ध्यान देना है किस पाद में है फोर्थ पाद में तो लिख लीजिए किस में है फोर्थ पाद में है ओके अब हम चलते हैं मापांक निकालने मापांक यानी मोड जेड बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स का मान क्या है वन का स्क्वायर प्लस वाई का मान है माइनस वन का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा वन के दोबारा करेंगे वन माइनस वन करेंगे दोबारा वन तो वन वन रूट टू ये आपका आ गया मापांक। ओके अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा अब आपको निकालना है कोणांक। तो कोणांक कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा कुांक यानी थीटा बराबर फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स मपांक वाई बाटा एक्स ये एक तो पता है सबको इसमें कोई डाउट नहीं है चलिए पता है तो अब क्या करेंगे इज इजकल टू टेन इनवर्स वाई का मान दिया है माइनस वन और एक्स का मान दिया है, है, है वन तो क्या हो जाएगा इज इजकल टू टेन इनवर्स माइनस इन मपांक में है ना मपांक में सारे चीज़ को क्या कर देता है प्लस कर देता है तो ये हो गया प्लस वन यानी थीटा ठीठाइजक्ल टू क्या हो गया टेन इनवर्स भर्स वन वन मतलब टेन पैंतालीस क्यों क्योंकि टेन पैंतालीस का मान होता है वन होता है तो टेन इनवर्स और टेन कैंसिल क्या बच गया पैंतालीस और पैंतालीस को हम क्या ले सकते हैं मुख्य मान में पाई बाई फोर क्योंकि पैंतालीस यानी पाई का जो मान होता है एक सौ अस्सी होता है एक सौ अस्सी में चार से भाग देंगे क्या जाएगा? आ जाएगा पैंतालीस आ जाएगा कोई डाउट नहीं अब चलिए ये तो आपको थीटा का मान पता कर लिए लेकिन अब आपको देखना है फोर्थ पाद में ठीक है ना फोर्थ पाद में कुड़ाक क्या होता है फोर्थ पाद का कूड़ाक तो फोर्थ पाद का कूड़ांक आपको थ्योरी में बताए हैं दो फार्मूला होता है कौन कौन तो देखिए पहला पहला जो होता है थीटा इजकल टू पहला जो होता है टू पाई माइनस थीटा होता है तो टू पाई ज्यो कहते हो और माइनस थीटा का मान क्या है पाई बाई फोर तो लिख लीजिए पाई बाई फोर यहाँ कुछ नहीं तो वन फोर और वन का एलसीएम फोर भाग देंगे चार बार में चार से और दो से आठ पाई माइनस इसको भाग देंगे एक बार में एक से और पाई से पाई यानी कितना जाएगा सेवन पाई बाई फोर आपका आ गया ओके ये पहला पाद का कूड़ांक है ठीक है यानी पहला फॉर्मूला वाला कूड़ांक है और इसमें दूसरा भी होता है दूसरा क्या होता है ध्यान दीजिएगा दूसरा जो होता है आपको माइनस थीटा होता है तो माइनस थीटा मतलब माइनस का माइनस थीटा का माना है पाई बाई फोर तो माइनस पाई बाई फोर हो गया तो इसके लिए ध्रुवीय रूप कितने होंगे दो होंगे कौन कौन आइए आपको भी समझाने की हम कोशिश करेंगे एक इसके लिए थीटा का मान रखेंगे एक ध्रुवीय हो गया और एक बार इसके लिए का मान रखें ए ध्रुवीय हो गया तो क्या करेंगे आइए ध्रुवीय रूप ध्रुवीय रूप जब ठीटा इजकल टू सेवन पाई बाई फोर ठीक है समझ में आ रहा है ना समझ में आ रहा है ना कोई दिक्कत नहीं चलिए तो क्या होता है ध्रुवीय रूप आपका ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला होता है मोड जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही होता है ना थीटा का मतलब कूड़ांक आपको पता है ना कुड़ाक होता है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोड जेड मोड जेड का मान कितना है रूट टू कॉस थीटा ठीटा का मान क्या रखना है सेवन पाई बाई फोर तो रख दीजिए सेवन पाइ बाई फोर प्लस आई साइन ठीटा का मान सेवन पाइव बाई फोर ये आपका आंसर हो गया ओके अब हम क्या करेंगे जब हम थीटा का मान क्या रख रहे हैं माइनस पाई बाई फोर रख रहे हैं ठीक है तो क्या हो जाएगा हो जाएगा रूट टू कॉस माइनस सेवन माइनस पाई बाई फोर प्लस आई साइन माइनस पाई बाई फोर ये आपका आंसर हो जाएगा दो आंसर है दोनों आंसर हो जाएगा ठीक है क्यों दो आंसर हो रहा है इसका ध्रुवीय रूप क्योंकि थीटा का जो मान है दो आ रहे हैं इसलिए इसका ध्रुवीय रूप दो होगा यदि एक आता तो एक ही हो जाता तो ही होता आपका ध्रुवीय रूप ओके आइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल ईजी लगने लगेगा ऐसा बात नहीं है बहुत ईजी है, है बस दो चार क्वेश्चन कर लो बहुत ईजी हो जाएगा ओके आइए अब हम क्वेश्चन नंबर इसका ये तो थ्री था ना वन नहीं थ्री था अब हम फोर देखेंगे माइनस वन प्लस आई है ठीक है कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा सबसे पहले आरपी यानी एक बराबर क्या दिया है माइनस वन उसके बाद आई पी यानी वाई आई दिया है आई मतलब वन दिया है ओके अब देखेंगे किस पाद का है तो ये सेकेंड का है पता है ना माइनस प्लस इसमें होता है सेकेंड पाद में तो क्या करेंगे सबसे पहले मापांक बताएंगे इसका मापांक क्या हो जाएगा मापांक यानी मोड जेड बराबर क्या होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स का मान क्या है माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई का मान है एक का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक के दो बार करेंगे एक और प्लस एक का स्क्वायर एक यानी रूट टू आ गया ओके अब हम क्या करेंगे इसका कुड़ांग याद करेंगे तो कुड़ांग के लिए फार्मूला क्या होता है कुड़ांग के लिए यानी ठीटाइज कल टू होता है टेन इन मपांक वाई बटा एक्स ठीक है तो वाई का और एक्स का मान भर दीजिए तो क्या हो जाएगा थीटा इजकल टू टेन इन वाई वाई का मान है एक और एक्स का मान है माइनस एक तो क्या हो जाएगा थीटा इजकल टू टेन इन मपांक में सब प्लस हो जाता है यानी वन आ जाएगा यानी ठीटा इजकल टू क्या गया टेन इनवर्स वन तो थीटा इजकअल टू टेन वन किसका मान होता है टेन पैंतालीस का तो वन के बदले हम क्या लिख लिए टेन पैंतालीस टेन इन भर्स टेन कैंसिल क्या बच गया पैंतालीस पैंतालीस को कम मुख्य मान में लिख सकते हैं पाई बाई फोर क्यों क्योंकि पाई का मान एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी में चार से भाग देंगे आ जाएगा पैंतालीस चलिए अब हम क्या करेंगे आपको थीटा का तो मान आ गया अब देखेंगे किस पाद का कूड़ांक है सेकेंड पाद तो सेकेंड पाद का कूड़ांक क्या होता है सेकेंड पाद का कुड़ांक सेकेंड पाद का कूड़ांक होता है पाई माइनस थीटा तो पाई का पाई माइनस थीटा का मान कितना पाई बाई फोर है तो रख दीजिए पाई बाई फोर यहाँ कुछ नहीं तो वन फोर और वन एलसीएम फोर भाग देंगे चार बार में चार से और पाई से चार पाई माइनस भाग देंगे चार में चार से एक बार में एक से और पाई से पाई चार पाई में से पाई गया थ्री पाई बाई फोर आपका आ गया सेकेंड पाद का कूड़ांक आ गया अब आपको निकालना है ध्रुवीय रूप ध्रुवीय रूप का फॉर्मूला क्या होता है ध्रुवीय रूप होता है आपका मापांक यानी मोड जेड कौश का कूड़ाक यानी कौश ठीटा और प्लस आई साइन ठीटा यानी आई साइन ठीटा का कूड़ाक ये जो ठीटा है ये कुड़ांक भी यहाँ लिख सकते हैं ठीक है ना आपको हमेशा समझाने की कोशिश करते रहते हैं ओके तो चलिए मोड जेड मोड जेड का मान आपका कितना है ऊपर में देखिए रूट टू है ना तो यहां रख दीजिए रूट टू और यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा का मान कितना थ्री बाई फोर तो रख दीजिए थ्री पाई बाई फोर अब प्लस आई साइन थीटा, थीटा का मान कितना थ्री पाई बाई फोर ये आपका आंसर हो जाएगा ये ध्रुवीय रूप हो गया तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर फाइव अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फाइव है माइनस वन माइनस आई ठीक है ये आपका क्वेश्चन है कैसे सल्व करेंगे सबसे पहले हम आर पी निकालेंगे आर पी यानि एक्स कितना है माइनस वन तो माइनस वन रखती है ठीक है अब क्या करेंगे हम आई पी तथा आई पी आई पी यानी वाई वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस आई है यानी माइनस वन हो गया ओके अब हम क्या करेंगे हम पहले मापांक और कुणांक बताना है तभी हम ध्रुवीय रूप निकाल सकते हैं तो पहले हम मापांक निकालते हैं उससे पहले चेक कर लीजिए किस पाद का गुणांक है तो किस पाद का गुणांक है आपका ये थर्ड का है क्योंकि दोनों माइनस माइनस है यानी यह या थर्ड पाद में है थर्ड पाद में है पता चल गया क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस है अब हम क्या करेंगे पहले मापांक निकाल लेते हैं तो मापांक का फॉर्मूला क्या होता है मापांक यानी मोड जेड क्या होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो रूट एक्स स्क्वायर का मान कितना होता है एक्स का मान कितना माइनस वन दिया ना तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई वाई स्क्वायर वाई का मान कितना दिया आपका माइनस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस वन के दोबार करेंगे वन और यहाँ पर माइनस करेंग वन करेंगे बार वन यानी रूट टू ही आ गया ओके अच्छा बार बार मां का मांग का मान रूट टू ही आ रहा है ना चलो ऐसा नहीं है कि हमेशा इतना ही आएगा अलग अलग भी आ सकते हैं ओके अब हम क्या करेंगे कुड़ांक बताएंगे तो कुड़ांक के लिए चलिए कुड़ांक यानी ठीटा क्या होता है फॉर्मूला टेन इनवर्स मपांक वाई बटा एक्स अब मपांक जो करता है सबको माइनस को प्लस कर देता है प्लस तो प्लस ही रहेगा ठीक है ना मपांक लगने के बाद सबको प्लस कर देना है तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स वाई वाई का मान कितना है माइनस वन और एक्स का भी मान माइनस वन ये सबको तो माइनस माइनस कट कर करके मैंने पांक में है यानी सबको क्या कर देगा प्लस ही कर देगा तो क्या हो जाएगा वन में वन से भाग देंगे तो वन आ जाएगा ओके ये सारे चीज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ठीक है ना अब क्या कर लेंगे टेन इनवर्स वर्स वन वन का मान कितना होता है यानी टेन पैंतालीस टेन पैंतालीस का मान होता है एक आपको सब पता है टेंथी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं आप लोग टेन इनवर्स और टेन कैंसिल क्या बच गया पैंतालीस पैंतालीस को क्या ले सकते हैं पाई बाई फोर अब हमको देखना है कि किस पाद का कूड़ाक है थर्ड का है तो थर्ड में क्या होता है थर्ड पाद का जब कड़ांक है तो लिखेंगे थर्ड पाद का कड़ांक थर्ड पाद का कड़ांक तो थर्ड पाद का कूड़ांक जो है इसमें कितना होता है हमारा दो लगता है दो, दो फार्मूला है ठीक है तो थर्ड पाद का कूड़ांक में पहला पहला कूड़ांक देखेंगे ठीक है पहला क्या होता है पहला होता है पाई प्लस थीटा, तो पाई का पाई और थीटा का माना है पाई बाई फोर सॉल्व कर लीजिए कुछ नहीं तो वन फोर और इसको भाग देंगे चार चार से पाई से चार पाई और प्लस चार से भाग देंगे एक बार में एक से पाई से पाई यानी चार पाई या प्लस पाई कितना आ गया पाँच पाई बाई फोर आ गया ओके तो इसका ध्रुवीय रूप यहीं पर लिख लीजिए तो ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा मपांक मपांग जेड और कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा यही फॉर्मूला होता है ना तो मपांग जेड का मान है आपका रूट टू और कॉस थीटा, थीटा का मान है फाइव पाई बाई फोर और प्लस आई साइन थीटा का मान फाइव पाई बाई फोर ये आपको हो गया ओके तो अभी तो इसमें कुड़ांग जो होता है थर्ड पाद में दो होता है अभी पहला के लिए ध्रुवीय रूप हुआ अभी हम दूसरा के लिए भी लिख लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका दूसरा क्या होता है याद है आपको कि नहीं याद है थीटा माइनस पाई होता है ना याद कर लीजिए ठीक है ना को जा करके थ्यूरी में बताए हैं ये सब याद कर लीजिए बातें थीटा माइनस पाई होता है तो क्या हो जाएगा थीटा का थीटा नहीं थीटा का मान कितना पाई बाई फोर है ऊपर में देखिए पाई बाई आया है माइनस पाई का पाई इसको सॉल्व कर लीजिए कुछ नहीं तो वन चार और एक कैल्शियम चार भाग देंगे पाई और इसका भाग देंगे चार चार से पाई से चार पाई यानी आ जाएगा माइनस थ्री पाई बाई फोर ये सारे बात आप लोग का बारह होगा कोई दिक्कत नहीं था अब चलिए अब हम क्या करेंगे इसके लिए भी लिख लेते हैं अब हम इसके लिए भी ध्रुवीय रूप लिख लेते हैं तो ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा ध्रुवीय रूप हो जाएगा मापांक जेड यानी रूट मपांक जेड यहाँ होता है और कॉस थीटा और प्लस आई साइन ठीठा मतलब कोण होता है ठीक है तो मापांक जेड का मान है रूट टू कॉस ठीटा का मान है माइनस थ्री पाई बाई फोर अब प्लस नहीं दिख रहा है ना प्लस आई साइन ठीटा का मान माइनस थ्री पाई बाई फोर ये आपका आंसर हो गया तो आई होप आप लोग के सारे चीज़ समझ में आ रहा होगा ठीक है और थ्योरी पढ़े हैं तो हम तो कहेंगे कि आप लोग कोई डाउट ही नहीं हो रहा होगा खुद से भी आप लोग वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं सारे क्वेश्चन ठीक है तो अब चलिए अब हम देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स भी देख लेते हैं ठीक है आइए आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में सिर्फ दिया है माइनस थ्री बस इतना ही क्वेश्चन है आपका तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले इसको लिखेंगे हम मिश्र संख्या में ठीक है कैसे लिखेंगे देखिए आपका एक्स का मान दिया है लेकिन वाई का मान नहीं दिया है तो इसको लिखेंगे कैसे जेड बराबर माइनस थ्री और प्लस जीरो आई देखिए ऐसा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ठीक है ना? जीरो से और आई से करेंगे तो फिर हमारा जीरो खत्म यानी क्या बच गया माइनस थ्री लेकिन हम क्या किए कि एक्स का मान माइनस थ्री हुआ वाई का मान क्या लिखते चलेंगे जीरो तो जीरो तो जीरो ही होता है कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं तो इसलिए हम लोग ऐसे लिख लिए ताकि समझ में आ जाए कि मिश्र संख्या है एक्स प्लस आई वाई के रूप में लिख दिए हम ओके तो यहाँ से हमारा आर पी आर पी यानी एक्स का मान हो गया माइनस थ्री तथा आई पी आई पी यानी वाई वाई का मान हो गया जीरो ओके अब हम क्या करेंगे देखेंगे किस पाद का है तो माइनस प्लस माइनस प्लस किस पाद में होता है सेकेंड में तो सेकेंड पाद का हो गया ओके okay? अब हम क्या करेंगे इसका मापांक निकाल लेंगे तो मापांक कैसे निकाला जाता है आपको पता है रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स का मान कितना है एक्स का मान है आपका माइनस तीन का स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर यानी वाई का मान है आपका जीरो का स्क्वायर तो कर देंगे तो माइनस नौ प्लस जीरो यानी रूट नौ नौ का वर्गमूल तीन होता है ओके okay. यानी मपाक का मान आपका आ गया तीन अब हम कुणांक बताएंगे तो कुणांक में आ जाइए कुड़ांक यानी ठिटा इक्वल टू होता है टेन इनवर्स वाई बाटा एक्स तो टेन इन वर्स कहते हो वाई का मान जीरो और एक्स का मान माइनस थ्री तो जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होता है जीरो तो टेन इनवर्स भर्स जीरो हो गया यानी टेन इनवर्स भर्स टेन में जीरो किसका वैल्यू होता है टेन जीरो का टेन जीरो का मान क्या होता है जीरो तो टेन इनवर्स भर्स टेन कैंसिल हो गया तो क्या आ गया जीरो आ गया क्या आ गया जीरो आ गया यानी ठीटा इज्कल टू तो क्या आ गया जीरो आ रहा है समझ में किसी को कोई दिक्कत नहीं यानी हमारा थीटा का मान क्या आ गया जीरो आ गया अब देखेंगे कि इस सेकंड पाद का गुणांक है तो सेकंड पाद का गुणांक क्या होता है बस एक ही फार्मूला होता है ना आप जाकर फार्मूला में देख सकते हैं सेकेंड पाद का गुणांक के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला होता, हो होता है तो सेकेंड पाद का गुणांक क्या हो जाएगा पाई माइनस ठीठा होता है तो पाई का पाई ठीठा का मान क्या है जीरो यानी पाई आ गया ओके अब हमको निकालना है ध्रुवीय रूप तो हम ध्रुवीय रूप लिखेंगे ध्रुवीय रूप क्या होता है मपांक जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है ठीक है तो सारे आपको क्वेश्चन करते करते याद हो गया होगा मपांक जेड यानी मपांक जेड का मान कितना तीन आया है कॉस थीटा थीटा का मान कितना पाई है अब प्लस आई साइन थीटा थीटा का मान पाई है यही आपका आंसर हो गया आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स भी समझ में आया होगा अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेवन आपका क्वेश्चन नंबर सेवन थ्री प्लस आई ये आपका क्वेश्चन है बहुत ईजी है ध्यान दीजिएगा सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं तो क्या करेंगे सबसे पहले सबसे पहले हम लिखेंगे आर पी यानी एक्स एक्स का मान हो जाएगा रूट थ्री तथा आई पी यानी वाई वाई का मान हो जाएगा सबको आ रहा है कोई डाउट नहीं है अब हम क्या करेंगे अब हम चलेंगे सबसे पहले कि देखेंगे किस पाद का गुणांक है दोनों प्लस है यानी फर्स्ट पाद का है ओके उसके बाद हम देखेंगे इसका मपांक तो निकाल दीजिए मपांक मापांक क्या हो जाएगा मापांक के लिए होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स का मान कितना है रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी वाई का मान है एक का स्क्वायर कर देंगे ठीक है तो रूट नौ और प्लस वन यानी कितना हो जाएगा हमारा रूट नौ और प्लस वन हो जाएगा तो यहाँ से देखिए देखिए ये गलती हो गया रूट थ्री के स्क्वायर है ना तो यहाँ से थ्री हो जाएगा गलत हो गया क्योंकि रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो रूट नौ रूट नौ का तीन हो जाएगा डबल रूट था ना तो यानी रूट थ्री और वन का रूट चार चार का वर्गमूल दो होता है ओके अब हम क्या करेंगे अब हम चलिए अब हम क्या करेंगे आपको मपांक आ गया अब हम आपको कोड़ांग निकालते हैं तो कड़ांक के लिए क्या होगा फॉर्मूला इक्वल टू टेन इनवर्स मपांक वाई बटा एक्स ओके तो चलिए क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई वाई का मान कितना है वन है और एक्स का मान कितना है रूट थ्री है तो क्या हो जाएगा ठीठाइजकल टू टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री वन बाय रूट थ्री का ने मतलब किसका होता है टेन साठ का नहीं टेन तीस का होता है तो टेन बस टेन कैंसिल क्या बच गया तीस तीस को हम लोग मुख्य मान में क्या लिख सकते हैं पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं क्यों क्योंकि पाई का मान होता है एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी में छः से भाग देंगे तीस आ जाएगा ओके अब हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा अब हमको क्या बताना है ध्रुवीय रूप और ध्रुवीय रूप निकालते समय आपको क्या फर्स्ट पाद का है ना तो फर्स्ट पाद का कूड़ाक निकालेंगे ना पहले फर्स्ट पाद का कूड़ाक निकाल लेते हैं फर्स्ट पाद का कूड़ाक क्या होता है सिर्फ ठीठा होता है ना तो ठीठा ठीठा इजक्ल थी टू यानी कितना दिया है पाई बाई सिक्स आपका ठीठा इजक्ल टू पाई बाई सिक्स आ गया अब हमको ध्रुवीय रूप निकालना है निकाल दीजिए क्या हो जाएगा ध्रुवीय रूप होता है मपांक जेड कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा ये आपका फॉर्मूला होता है तो मपांक जेड का मान आपका है दो और कॉस थीटा का मान है पाई बाई सिक्स और प्लस आई साइन थीटा का मान है पाई बाई सिक्स ये आपका आंसर हो गया ओके आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बहुत ही ईजी क्वेश्चन अब हम देखेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर एट है और लास्ट क्वेश्चन है सिर्फ दिया है आई इसमें आई दिया है वाई का मान दिया एक्स का मान नहीं दिया तो इसको हम पहले लिखना सीखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको जेड बराबर एक्स का मान नहीं दिया तो इसको जीरो लिख सकते हैं जीरो प्लस आई ओके ऐसे हम लोग लिख सकते हैं अब हम क्या करेंगे इक्कीस पाद का हो गया फर्स्ट पाद का हो गया दोनों क्योंकि प्लस है ठीक है अब हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे आर पी आर पी यानी एक्स एक्स का मान क्या हो जाएगा जीरो और y का मान क्या हो जाएगा यानी आई पी आई पी हो जाएगा वन ओके okay. अब हम क्या करेंगे इसका मपांक निकालेंगे तो निकाल लीजिए मपांक मपांक हो जाएगा आपका मपांक यानी मपांक जेड रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स का मान है जीरो का स्क्वायर और वन का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा वन वन का वर्गमूल वन हो गया ओके okay. अब हम क्या करेंगे इसका कुड़ांक निकालेंगे चलिए तो कुड़ांक क्या हो जाएगा थीटा थीटा इजकअल टू टेन इनवर्स मापांक वाई बटा एक्स तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स भर्स का त्यों वाई वाई का मान कितना है आपका वन और एक्स का मान कितना है जीरो तो टेन इनवर्स वन में किसी संख्या से भाग वन में किसी भी वन में जीरो से भाग देते हैं ना सॉरी वन में किसी भी वन सॉरी सॉरी वन में जीरो से भाग देते हैं तो किसी भी संख्या में जीरो से भाग देने पर क्या होता है इन्फेनाइट होता है ठीक है तो टेन इनवर्स और इन्फेनाइट किसका होता है टेन में टेन नब्बे का होता है तो टेन इनवर्स और टेन कैंसिल क्या बच गया नब्बे नब्बे को क्या ले सकते हैं मुख्य मान में पाई बाई टू लिख सकते हैं ओके okay? अब क्या हम देखेंगे फर्स्ट पाद का कूड़ांक निकालेंगे फर्स्ट पाद का कूड़ांक फर्स्ट पाद का कूड़ांक क्या हो जाएगा ठीठा इजकअल टू फर्स्ट पाथ का कूड़ांक क्या होता है फर्स्ट पाथ का कड़ांक होता है सिर्फ थीटा आप लोग थीरी में देख सकते हैं फर्स्ट पाथ का क्या होता है कोड़ाक सिर्फ थीटा होता है तो इसका ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा ध्रुवीय रूप हो जाएगा और यहाँ पर थीटा का मान कितना है पाई बाई सी पाई बाई टू ना यहाँ पर लिख लीजिए थीटा का मान आ गया है पाई बाई टू तो ध्रुवीय रूप होता है मपांक जेड कॉस ठीटा प्लस आई साइन थीटा मपांग जेड जेड मान कितना है आपका आपका आया है वन कॉस का मान पाई बाई टू आपको नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं देख लीजिए आई साइन थीटा।, थीटा का मान पाई बाई टू ये आपका आंसर हो गया तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर एट भी समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन एक ही जैसा है बस आप लोग को मपांक और कूड़ांक आना चाहिए उसके बाद ध्रुवीर का फॉर्मूला या, याद होना चाहिए उसके बाद आप लोग का एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टू बहुत ही ईजी है तो आप लोग थ्योरी का वीडियो देखे होते और देखे होंगे तो बहुत बढ़िया आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा उसको देखने के बाद तो बिल्कुल ईजी हो जाता है और अपने खुद से भी सारे चीज़ बना सकते हो आप लोग ठीक है तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करिएगा मन लगाकर पढ़ाई करिए